गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? आई होप सारे बहुत अच्छे होंगे। और फटाफट एक बार आज भी आपके लिए जो है ना, ऑप्टिक्स की आज लास्ट क्लास है जिसमें हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस हम कर रहे थे कल भी, आज आपकी ये लास्ट क्लास है, तो फटाफट एक बार आप लोग आ जाइए, फटाफट आ जाइए सारे, आ जाइए। हाँ फटाफट एक बार जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए, आ गए हैं लाइव आपके लिए, आ गए हैं लाइव, एक बार फटाफट आ जाइए। शाबाश। साहु शुभम सर, मेरे इंग्लिश में 50 मार्क्स हैं। हाँ हो सकता है, बता दे। हाँ प्रियांशु, हाँ गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आदित्य जांगड़ा, गुड इवनिंग सर, हाँ वेरी गुड इवनिंग। कुणाल वर्मा, गुड इवनिंग। बाल कृष्ण कुशवाहा, टुडे इज माई फर्स्ट क्लास, ओके मोस्ट वेलकम बाल कृष्ण कुशवाहा जी। कुल 50। राजकुमार प्रसाद, हाँ यस। चलिए पवन कुमार, हाय। हाँ प्रेम तिवारी, अभी क्लास लेनी है प्रेम तिवारी जी, अभी क्लास लेनी है, गुड नाइट। नहीं हाँ अभी क्लास लेनी है, ठीक है ना। प्रांशु सविता, नहीं अभी क्लास है, गुड नाइट, जाते टाइम करेंगे। हाँ लेट जो है ना, यहाँ एक क्लास खत्म होती है फिर दूसरे क्लास के बीच में थोड़ी सी टाइम लग जाती है, अब लेट नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, गुड इवनिंग सबको। अनिल रावत, गुड इवनिंग। मनीष शर्मा, गुड इवनिंग, हाँ वेरी गुड इवनिंग। विवासमल, जय हिंद, जय हिंद विवासमल। जतिन, हाँ। योगेश कुमार, हाउ आर यू, हाँ अच्छे हैं, आप कैसे हो। कमलेश, हाय सर, बिल्कुल। अभिषेक टंडन, हाँ गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सबको। विश्वजीत दास, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। हाँ फटाफट एक बार आप लोग जो है ना मन लगा के शेयर और कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए मन लगा के, फिर एक बार मन लगा के शेयर कर दीजिए, फिर देखिए आप। हाँ एक बार मन लगा के शेयर कर दें प्लीज, एक बार शेयर कर दीजिए, फिर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हुए हैं आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हुए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। एक बार प्लीज मन लगा के शेयर कर दे, मन लगा के शेयर कर दे, एक बार जल्दी एक बार शेयर कर दे। और फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हाँ गुड इवनिंग एंगल, हाँ गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, वेरी गुड इवनिंग। फटाफट ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, विकास गौतम, जय हिंद, हाँ जय हिंद सबको, जय हिंद, गुड, हाँ गुड इवनिंग बेस्ट सर, ओके थैंक यू। अभिषेक टंडन, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ओके प्रांशु थैंक यू। सर न्यू चैप्टर, कल से न्यू चैप्टर करेंगे कल से। कैसे हैं सर? बिल्कुल अच्छे हैं, आप लोग कैसे हो, ठीक हो? हाँ बहुत, हाँ प्रांशु थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। ठीक है तो आप लोग बस इतना किया कीजिए कि शेयर कर दिया करिए प्लीज, आप लोग क्लास को शेयर कर दे, वही हमारा मोटिवेशन है, वही मोटिवेशन है, और तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं होता है, आपको बताइए हम, ठीक है। अब देखिए फटाफट आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा है कि ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम ऑफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। राधे राधे बिल्कुल सबको। चलिए अनिकेत, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ मीडियम ऑफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स N1। ध्यान से समझिएगा, एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक कितना, N1, ठीक है ना। रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ मीडियम ऑफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स N1 टू अ मीडियम ऑफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स N2। एक का क्या है आपका, N1 है, प्रकाश की एक किरण का अपवर्तनांक, एक माध्यम है N1 और दूसरे में क्या है N2, ठीक है। और वो एक कोण बनाता है, ठीक है, वो एक क्या करता है, कोण बनाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है R, तो आपको बताना है साइन I अपॉन में साइन R किसके बराबर, फटाफट बता दीजिए। हाँ वेरी गुड, 47 लाइव है अभी, 47 लाइव है। प्रेम तिवारी जी कह रहे हैं सी को लॉक कर दे, सी को लॉक कर दे, बिल्कुल प्रेम तिवारी जी कर देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल कर देंगे। नया बैच, हाँ वापिस पढ़ा देंगे, वापिस पढ़ा देंगे, ओके सर जय हिंद, बिल्कुल। आयुष मिश्रा जी, जय हिंद सबको, जय हिंद, गुड इवनिंग सबको। राम कुमार, हाँ जय हिंद। हाँ फटाफट अब आंसर करिए, इसका आंसर करिए, बस अभी तक एक ने आंसर कराया है, प्रेम तिवारी जी ने आंसर कराया, फटाफट आप लोग भी आंसर करिए, क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका, क्या होना चाहिए, फटाफट बता दीजिए इसका क्या होना चाहिए, हाँ क्या आएगा, जल्दी फटाफट आंसर करिए। प्रांशु सविता, हाँ सी बता रही, हाँ सी बता रहे हैं, ठीक वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फटाफट बता दीजिए, हाँ फटाफट बता दीजिए एक बार, हाँ फटाफट बता दीजिए, हाँ वेरी गुड। सर आप ऑफलाइन क्लास भी लेते हो क्या? हाँ लेते हैं, वो ही बता देंगे। राजकुमार जी, हाँ सी। बिलाल, हाँ सी। N1 अपॉन में N2, अरे N1 अपॉन में N2 नहीं है, N1 अपॉन में N2 नहीं, ठीक है चलिए अभी देख लेते हैं। अरविंद यादव सी, बिल्कुल अभी आपको समझा देते हैं कि कैसे आपको ये करना है, ठीक है ना। अभी जस्ट बता देते हैं, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक ये मीडियम है,
और एक ऊपर वाला मीडियम है, ठीक है ना। इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है N1 और इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है N2, यही है ना। एक आपके पास नॉर्मल ऐसे लाइट रे आके ऐसे चली गई, यहां पे कितना एंगल बना मान लीजिए, यहां पे कितना एंगल बना, यहां पे बना है आई, यहां पे क्या बना है आई, और यहां पे कितना बना है मान लीजिए, यहां पे बना है आर। दो मीडियम है, एक का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है, एक का अपवर्तनांक कितना है N1 और दूसरे वाले का कितना है N2। दूसरे वाले का कितना है, शुरू से करूं तो हो जाएगा, हाँ बिल्कुल राजू शर्मा जी बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ प्रेम तिवारी जी क्या बता रहे हैं, स्नेल के रूल के अकॉर्डिंग, हाँ बिल्कुल स्नेल्स लॉ वही बता रहा हूँ। ये आपका क्या है एंगल, ये आपका क्या है आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये N1 हो गया और ये आपका क्या है N2। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है ध्यान से समझिएगा, पहले का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो पहले का अपवर्तनांक है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होता है पहले के। तो हम क्या लिखते हैं N1 इंटू में साइन आई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे N2 मल्टीप्लाई में साइन आर, यही लिखेंगे ना। अब आप लोग खुद बता दीजिए कि साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आप लोग खुद बता दीजिए साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। तो आप लोग देख ही रहे हो कितना हो जाएगा N2 अपॉन में N1, कितना हो जाएगा N2 अपॉन में N1। ये कौन सा लॉ है आपका, ये है स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ, ठीक है। कौन सा लॉ है ये आपका, स्नेल्स लॉ है, ठीक है ना। ये कौन सा लॉ है आपका, स्नेल्स लॉ है। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, क्या वैल्यू हो जाएगी, क्या वैल्यू हो जाएगी बताइए, N2 अपॉन में N1 क्या हो गया इसका, N2 अपॉन में N1 जो है वो आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। N2 अपॉन में N1 जो है वो आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल। हाँ सी बताया था अजीत सिंह सी, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। हाँ यस, हाँ बिल्कुल, हाँ कर सकते हैं राजू शर्मा जी, बिल्कुल हो जाएगा। अब आज ये अगले क्वेश्चन के ऊपर फटाफट करना है, अब हमें फटाफट करना है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी बता दीजिए। लाइट वेव्स प्रोजेक्टेड ऑन ऑयल सरफेस शो 7 कलर ड्यू टू दी फेनोमेना ऑफ, ये कह रहा है कि तेल की सतह पर जो प्रक्षेपित प्रकाश की तरंगे होती है उसमें 7 रंग दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई देते हैं फटाफट बताइए, 7 रंग क्यों दिखाई देते हैं। सॉरी सर आज मैं लेट हो गया क्योंकि मैं मेस में खाना खा रहा था। ओके जीशु अंसारी जी अब क्लास ले लीजिए, अब क्लास ले लीजिए। हाँ अरविंद, हाँ बिल्कुल, अब फटाफट इसका आंसर करिए, किसके कारण होता है ऐसा, किसके कारण। योगेश कुमार, हाँ सी को लॉक और वाई ग्रुप की, हाँ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा एग्जाम, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा राजू शर्मा जी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है बिल्कुल हो जाएगा क्लियर। फटाफट इसका आंसर करिए फटाफट, किस फेनोमेना के कारण ऐसा होता है, किस फेनोमेना के कारण ऐसा होता है, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। 7 रंग क्यों दिखते हैं, प्रदीप लव आर्मी लवर बी, अरविंद यादव बी, अनिकेत बी, एंगल कुमार ए, फटाफट आंसर करिए एक बार फटाफट, और साथ के साथ शेयर भी करते रहिए प्लीज, साथ के साथ शेयर भी करते रहिए, ठीक है। हाँ मैक्सिमम बच्चे, हाँ शेयर और लाइक इसमें कंजूसी ना करें प्लीज, शेयर और लाइक इसमें कंजूसी ना करें। योगेश कुमार ए, अनिल रावत बी बता रहे, विक्की महतो बी, अरविंद यादव रिफ्लेक्शन, अरे रिफ्लेक्शन कैसे आएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन और पढ़ो, क्वेश्चन और पढ़िए। तेल की सतह के ऊपर ये कह रहा है, ठीक है ना, ऑयल सरफेस के ऊपर, ऑयल सरफेस के ऊपर। हाँ देखिए अब ध्यान से, हाँ एक्वा गेमिंग डी, योगेश कुमार ए, चलिए देखते हैं। ए जो है वो तो नहीं है आपका, ठीक है बिल्कुल डी बताया था ये एक्वा गेमिंग ने, बिल्कुल सही है। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसका जो करेक्ट है वो क्या होता है आपका, इंटरफेरेंस, किसके कारण होता है, इंटरफेरेंस के कारण, क्योंकि ये कह रहा है कि जो ऑयल का सरफेस, जो तेल का सतह होगा ना, वहां पे, वहां की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, तेल की जो सतह है उसके ऊपर की बात की जा रही है कि 7 रंग वहां पे क्यों दिखाई देते हैं, वहां की बात की जा रही है। तो वहां पे जो है 7 रंग दिखाई देने का मतलब क्या है, सीधा सीधा इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप होता है, ठीक है। पोलराइजेशन वहां होगा नहीं, पोलराइजेशन वहां होगा नहीं क्योंकि मीडियम अंदर ऑयल का दूसरा है, ठीक है। रिफ्रैक्शन वहां पे होता है लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण 7 रंग दिखाई नहीं देंगे, रिफ्लेक्शन के कारण तो कभी भी 7 रंग दिखाई नहीं देता, तो ध्यान रखिएगा इंटरफेरेंस, हाँ हस्तक्षेप के कारण। बी को राहुल, बी को नहीं कर सकते डी, हाँ राजकुमार प्रसाद जी डी, विकास गौतम डी, वो भी ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। कमलेश यादव ए नहीं, ठीक है
बी को लॉक नहीं कर सकते। डी, ध्यान रखिएगा रिफ्रैक्शन के कारण कभी नहीं दिखेगा, रिफ्रैक्शन के कारण सात रंग नहीं दिखता कभी भी, या तो डिस्पर्जन या इंटरफेरेंस। तो यहां इंटरफेरेंस है, हस्तक्षेप है, तो इंटरफेरेंस आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, आपको बिल्कुल दिख रहा है यहां पे, फटाफट आंसर करिए। लाइट वेव्स आर, लाइट वेव किस तरह की तरंगे, हां प्रकाश तरंगे कैसी होती है? पहला है इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव्स, विद्युत तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो है, उसके बाद है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल वेव्स, विद्युत तरंगे हो गई, ठीक है, उसके बाद है मैग्नेटो ऑप्टिकल तरंगे। बताइए फटाफट बताइए। सॉरी सर, मैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाया। कोई बात नहीं, जल्दी बताइए। हाँ, बिल्कुल हो जाएगी योगेश राजपूत, बिल्कुल, एयरफोर्स एक्स और आपकी एनडीए दोनों, फटाफट बताइए। लाइट वेव बताइए किस तरह की तरंगे है, लाइट वेव किस तरह की है, जल्दी बता दीजिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ बी राजकुमार जी, बी बिल्कुल, अनुज मिश्रा, हाँ बी विवास, बी राहुल भारतीय, सॉरी सर कोई बात नहीं, अरविंद सॉरी सर कोई बात नहीं, हाँ बी बता रहे हैं, एक्वा गेमिंग बी, अभय कृष्णा बी, वेरी गुड, अजीत सिंह बी, हाँ शाबाश, विक्की मतो बी, शाबाश, ठीक है ना, बिल्कुल जो है ना सही जवाब आप लोगों ने दिया है। क्या होगा इसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो लाइट वेव होती हैं वो आपकी कैसी वेव्स होती हैं? तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। लाइट वेव्स कैसी वेव्स होती हैं? बिल्कुल ठीक है, हाँ बी शाबाश बी, हाँ सबने बता दिया, वेरी गुड, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग, हाँ बिल्कुल, बी को लॉक, हाँ पवन कुमार जी बिल्कुल लॉक कर दिया, हाँ प्रेम तिवारी जी बिल्कुल, बी को लॉक, हाँ बी को लॉक कर दिया। क्या है आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो लाइट वेव्स हैं वो कैसी वेव्स हैं आपकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बिल्कुल 200% सही है, बिल्कुल 200% सही है। अब आ जाते हैं, हाँ अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हाँ ये, हाँ फटाफट बता दीजिए, आज ये क्वेश्चन एक बार और आ गया था। ऑप्टिकल ग्लास यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेक्टेकल्स इज मेड बाय, जो चश्मे का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, चश्मे का निर्माण करते हैं हम, जो चश्मा हम पहनते हैं, ठीक है ना, उसमें किस तरह का जो है कांच यूज किया जाता है, उसको बनाने में किस तरह का कांच यूज किया जाता है, फटाफट बता दीजिए। हाँ, चश्मे को बनाने में किस तरह का कांच यूज किया जाता है, फटाफट आंसर कर दीजिए। सुबह वाली क्लास में जो होंगे उनको बिल्कुल पता है। अनुज मिश्रा ए, साउंड अनुदैर्ध्य तरंग, हाँ बिल्कुल। प्रेम तिवारी बी, हाँ बिल्कुल। अब इसका बताइए, हाँ बी नहीं, अरे बी नहीं, मयंक कुमार ये क्वेश्चन बताइए। अनुज मिश्रा बी, ए साजल तिवारी, वेरी गुड, ए राम प्रवेश यादव सी नहीं, हाँ फटाफट। अनिकेत कुमार हाँ डी बता रहे हैं, शक्ति सिंह बी, अनिकेत राज ए, हाँ राजा कुमार हाय सर, हाँ बिल्कुल हेलो, अनिल रावत बी, मनीष शर्मा ए सर, 100% श्योर, बिल्कुल 100% है, सही है। राम प्रवेश यादव ए, अभय पांडे सी, वी के दो, प्रेम तिवारी जी सी, चलिए सी नहीं आएगा, ए हाँ अभय पांडे सी। देखिए किससे बना हुआ होता है, किससे बना हुआ होता है? फ्लिंट ग्लास से, ठीक है। अगर सुबह वाली क्लास किसी ने आज जो है ना देखी होती, आपकी ये गलत नहीं, आपका ये क्वेश्चन जो है गलत नहीं होना था, ठीक है। किसका बना हुआ होता है? फ्लिंट ग्लास का बना हुआ होता है। किसका? फ्लिंट ग्लास का। क्वार्ट्ज का तो बना ही नहीं था, क्योंकि क्वार्ट्ज जो है वो क्या होता है आपका? फ्लेक्सिबल होता है। हार्ड ग्लास का भी नहीं बना होता है, क्रूक ग्लास का भी नहीं। किसका बना हुआ होगा? फ्लिंट ग्लास का। हाँ वेरी गुड, हाँ 54 लाइव है, बिल्कुल, हाँ और मन लगा के शेयर कर दें, और मन लगा के शेयर कर दें, ठीक है। तो फ्लिंट ग्लास जो है इसका ए इज राइट ऑप्शन, वेरी गुड राहुल। अब आ जाइए, हाँ अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या? ए रे ऑफ लाइट व्हेन रिफ्रेक्टेड suffers change in velocity, ये कह रहा है कोई ray of light है, ठीक है, उसकी जब वो refract होता है तो उसकी velocity change हो जाती है, तो इसके according कौन सा statement सही है? हाँ योगेश कुमार ए। चलिए अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन का, हाँ इसका आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए एक बार आप लोग। आपको ये कहा गया कि प्रकाश की किरण जब अपवर्तित होती है तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है, उसके वेग में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है, फटाफट बताइए। ए रे ऑफ लाइट व्हेन रिफ्रैक्टेड सफर चेंज इन वेलोसिटी, जब किसी भी रे ऑफ लाइट में रिफ्रैक्शन होगा। हाँ क्लास नहीं देखा प्रेम तिवारी जी, चलिए कोई नहीं देख लीजिएगा। सर मैं भी बताया हूं, बिल्कुल विकास गौतम जी, विकास गौतम ने भी बताया, शाबाश। क्वार्ट्ज का बनाते हैं, हाँ
चलिए कोई बात नहीं, योगेश ए, सूरज कुमार सी बता रहे, शुभम यादव ए, शुभम ए, हाँ विवांशु डिक्रीज। चलिए एक बार आप लोग क्वेश्चन, हाँ यही आपको बताना है, वेलोसिटी जो है चेंज क्यों हो जाती है, रिफ्रैक्शन जब होता है लाइट के अंदर तो वेलोसिटी क्यों बदल जाएगी, ये बात बताना है आपको, ये बात बतानी है कि क्यों चेंज हो जाती है, क्यों चेंज हो जाती है। हाँ फटाफट सी बता रहे, अरे अनुज मिश्रा वेरी गुड। ए विक्की मैं तो डी कैसे बता रहे हो, जीशु अंसारी ए नहीं आएगा, विक्की मैं तो डी भी नहीं है, नवीन पुनिया वेरी गुड सी, अनुज मिश्रा सी, राम प्रवेश यादव सी, हाँ निर्भय बी, राम प्रवेश सी, ए को लॉक किया जाए, पवन कुमार ए को कैसे लॉक कर दें, ए को कैसे लॉक कर दें, नहीं कर सकते, राम प्रवेश यादव सी। हाँ अभी हाँ क्वेश्चन अभी हुए हैं 5-6 तकरीबन, ठीक है वह आप देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा कि आप हम इसका जो आंसर करते हैं ना ऑप्शन से ही पढ़ के कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीजेस एज द रे पासेस फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर, ये कह रहा है रेयरर से डेंसर में जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, ये तो बहुत गलत बात हुई, वेलोसिटी तो डिक्रीज हो जाती है, रेयरर टू डेंसर अगर हम जाएं तो उसमें वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये स्टेटमेंट तो क्या है, बिल्कुल गलत है, खराब स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वेलोसिटी डिक्रीजेज एज द रे पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ये कह रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है जब हम किधर से किधर जाते हैं, डेंसर टू रेयरर, उल्टा स्टेटमेंट, यहां क्या आना चाहिए, रेयरर टू डेंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, रेयरर टू डेंसर। उसके बाद है वेलोसिटी डिक्रीजेस एज द रे पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, बिल्कुल देखिए अगर हम क्या विरल से हाँ कोई सघन माध्यम के अंदर चले जाएं तो वेलोसिटी घट जाती है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जैसे हवा में जो वेग होगा, हवा में जो वेलोसिटी होगी उससे कम वेलोसिटी होगी वाटर में, पानी के अंदर, कांच के अंदर, क्योंकि पानी और कांच क्या है आपका डेंसर मीडियम है, एयर क्या है आपका रेयरर मीडियम है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, जो सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट है, सी ऑप्शन इज राइट 100%, बिल्कुल 100%। हाँ चलिए सी, हाँ बिल्कुल, हाँ लाइक और लाइक करो, बिल्कुल लाइक और शेयर करते रहिए प्लीज, लाइक और शेयर में कंजूसी ना करें, लाइक और शेयर में कंजूसी ना करें प्लीज, सारे बच्चे एक बार जो है लाइक और शेयर जरूर करें। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके बोर्ड के ऊपर, फटाफट इसका आंसर कर दीजिए, फटाफट इसका आंसर कर दीजिए, क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। किसी ऑब्जेक्ट को, ये जो है न्यूमेरिकल टाइप में है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के सामने रखा गया है, एक उत्तल लेंस के सामने कितनी दूरी पे रखा गया है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, कितनी दूरी पे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, और उसकी फोकल लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर, उसकी फोकल लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है इमेज कैसा बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, फटाफट बताइए इमेज कैसा बनेगा। प्रांशु हाँ बिल्कुल, लाइव कम नहीं होने चाहिए, लाइव कम नहीं होने चाहिए, प्रांशु ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, आप लोग शेयर करते रहे, शेयर करते रहे, आंसर भी देते रहे। हाँ मोहम्मद नुरैन बी बता रहे हैं, सी एक, मोहम्मद बी, बिल्कुल आ जाएंगे लाइव, और हाँ लाइव कम नहीं होने चाहिए बिल्कुल। अश्रूफ मंडल सी बता रहे हैं, फटाफट बताइए क्या जो है इसका उत्तल लेंस के सामने रखा गया, फोकल लंबाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक है 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो किस तरह का इमेज फॉर्म होगा, किस तरह का इमेज फॉर्म होगा, जल्दी बता दीजिए, फटाफट बताइए किस तरह का इमेज फॉर्म होगा, फटाफट बता दीजिए किस तरह का इमेज जो है वो आपका फॉर्म होता है, जल्दी इसमें पहले वी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, पहले वी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, हाँ वी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, फटाफट करिए, हाँ वेरी गुड, हाँ कर रहे हैं आंसर, हाँ वेरी गुड, कैसा इमेज बनेगा, कैसा इमेज फॉर्म होगा ये बात बतानी है आपको, कैसा इमेज फॉर्म होगा ये बात बतानी है, किस तरह का इमेज फॉर्म होगा ये आपको बताना है। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए सी, सनी यादव डी, हाँ एक बार आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए है ना आपके पास पेन और नोटबुक जरूर होनी चाहिए, पेन नोटबुक जरूर होने चाहिए, बिना सॉल्व किए अगर हम करेंगे तो गलत होने के बहुत चांसेस होंगे, अगर हम ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो गलत होने के बहुत चांसेस होंगे, ठीक है गलत होने के बहुत चांसेस होंगे। वेरी गुड, योगेश क्या पूछा था, रिप्लाई कर दे, हाँ बिल्कुल मन लगा के शेयर, हाँ बी,
नेम लो, अंकित मिश्रा बिल्कुल देख लेते हैं अभी क्या है, विवासमल बी बता रहे हैं, अंकित मिश्रा बी। चलिए ध्यान से समझिएगा, अभी हम देख लेते हैं जो एक्चुअल में किस तरह का इमेज फॉर्म होता है। बी बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका रीजन समझते हैं हम, ठीक है, रीजन समझते हैं क्या है। क्वेश्चन के अंदर कहा क्या गया है, कन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस है। इसका फोकल लेंथ 15, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना है, 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। u हमेशा आपका किस में होता है? माइनस में होता है। u हमेशा किस में होता है? हाँ, बी इज राइट ऑप्शन 100%। राहुल भारतीय बिल्कुल देख लेते हैं, ठीक है। रिंकू कुमार डी बता रहे हैं, डी कैसे आएगा देखिए। एफ आपका कितना हो गया? 15 गिवन है फोकल लंबाई। ऑब्जेक्ट कितना है? -10। ऑब्जेक्ट हमेशा 10। तो हम क्या करते हैं, लेंस फॉर्मूला से v बता देते हैं। तो लेंस फॉर्मूला पता है, 1 by f equals to कितना होता है, 1 by v minus 1 by u, यही होता है ना आपका। तो 1 by v बता देते हैं, हम v बता देते हैं। तो 1 by v equals to कितना हो जाएगा, 1 by f plus में 1 by u हो जाएगा क्या। 1 by v equals to कितना हो गया, 1 by f plus 1 by u। अब आप इसमें वैल्यू पुट करके देख लीजिए, 1 by v equals to 1 by f कितना है, 1 by f कितना है, तो ये है 1 by 15। कितना है आपका, 1 by 15। अब देखिए u के यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस, तो माइनस में u कितना है, 10। अब हम इसको घटा के देख लेते हैं कितना होगा, 15 और 10 का एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। ये कितना हो गया, 2। ये कितना हो गया, 3। तो वैल्यू कितनी आ गई, -1/30। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, -30 सेंटीमीटर। यानी जो छवि बन रहा है, जो इमेज फॉर्म हो रहा है, वो कहां पे फॉर्म हो रहा है, -30 सेंटीमीटर पे। जो छवि फॉर्म हो रहा है, जो इमेज फॉर्म हो रहा है, वो कहां पे, सर माइनस क्यों है यू में, अजीत सिंह जी, कोई भी चीज अगर लेफ्ट हैंड साइड में होती है ना, वहां पे माइनस ही आता है। यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, किधर होगा आपका, लेफ्ट साइड में होता है, इसीलिए यू नेगेटिव होता है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट को तो इधर ही रखेंगे ना आप, तो ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे तो इस साइड वाली जितनी दूरी होती है वो सारी क्या होती है, नेगेटिव, माइनस में होती है, ठीक है, इसीलिए यू को माइनस में लिया। अब एक बात बताइए, वी जो है वो आपका कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर। तो अब एक बात बताइए, वी माइनस 30 है तो इसका क्या मतलब हुआ, v अगर -30 है तो इसका मतलब इसका इमेज इस साइड बन रहा है, इसका जो इमेज है वो किधर बन रहा है आपका, इस साइड में बन रहा है। v नेगेटिव है तो इसका मतलब, तो आप लोग बताइए कन्वेक्स लेंस में जब इस साइड इमेज बनता है तो ये कैसा हो रहता है आपका, वर्चुअल, कैसा रहता है आपका, वर्चुअल, और क्या रहेगा आपका, मैग्नीफाइड, बड़ा इमेज बनता है ना, वर्चुअल और मैग्नीफाइड बनता है। कैसा बनता है, वर्चुअल और मैग्नीफाइड। और किस केस में होता है, जब आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, जब आप ऑब्जेक्ट को किधर रखते हैं बताइए, हम जब ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के बीच में रखते हैं, एफ और किसके बीच में, ओ के बीच में रखते हैं, ठीक है ना, एफ और ओ के बीच में रखते हैं, तब हमारा क्या बनता है, साइड इमेज बनता है, बड़ा इमेज बनता है और वर्चुअल इमेज बनता है, बड़ा इमेज बनता है और वर्चुअल इमेज। तो देखिए इससे हमने अंदाजा लगाया, इससे जो v की वैल्यू -30 आई थी, v की वैल्यू जो -30 आई थी, इससे हमने अंदाजा लगाया वर्चुअल और मैग्नीफाइड। तो क्या हो जाएगा इसका, b, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, ठीक है, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज जो है वो आपका क्या हुआ है, बना है, वर्चुअल और मैग्नीफाइड जो है, हाँ ये बना है। V प्लस माइनस में प्रॉब्लम होती है, प्रांशु सविता देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी बता देता हूं एक बार, प्लस माइनस का कंसेप्ट एक बार और सीख लीजिए, प्लस माइनस का कंसेप्ट और सीख लीजिए। मान लीजिए ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये बीच सेंट्रल पॉइंट है, इस साइड वाला लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू है, लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू है वो सारा का सारा क्या, माइनस, नेगेटिव। लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू है वो सारा का सारा माइनस, और राइट साइड में जो भी वैल्यू है, राइट में जो भी वैल्यू है वो सारा का सारा क्या, पॉजिटिव। राइट में जो भी वैल्यू है वो सारा का सारा क्या, पॉजिटिव। लेफ्ट में सारी वैल्यू नेगेटिव, राइट में सारी वैल्यू क्या रहती है आपकी, पॉजिटिव। तो यू जो है, यू, यू हमेशा नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप किधर रखेंगे, इसी साइड रखेंगे ना, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो यू हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, बिल्कुल, चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो, चाहे उत्तल हो, चाहे अवतल हो, सब में यू क्या रहेगा, माइनस, सब में यू क्या रहेगा, माइनस। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है ना, ये आपका साइन कन्वेंशन। और एक चीज, कन्वेक्स लेंस है,
आपको वैसे भी याद रह जाएगा, नोट कर लीजिएगा, कन्वेक्स लेंस में अगर रियल इमेज बना है, कन्वेक्स लेंस में अगर रियल इमेज बना है तो उसमें यू नेगेटिव होगा, यू माइनस का, वी प्लस का, और एफ भी क्या रहता है आपका प्लस का, ठीक है ना, एफ भी क्या रहता है आपका प्लस का। और वर्चुअल इमेज बना है तो यू तो नेगेटिव है, वी भी नेगेटिव, एफ भी नेगेटिव, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये कंसेप्ट, समझ में आ गया, ओके थैंक यू। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा ताकि हम पढ़ सके? हाँ नेक्स्ट चैप्टर वेव्स वगैरह स्टार्ट करेंगे, वेव स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैक्सिमम आप लोग प्लीज लाइव जो है आप लोग शेयर करते रहिए, प्लीज क्लास को शेयर करते रहें, ठीक है, शेयर करते रहें प्लीज, आप लोग क्लास को लाइक और शेयर में कंजूसी ना करें प्लीज। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया, सर फोकस से कम है ऑब्जेक्ट की दूरी तो फोकस पोल के बीच होगा तो वर्चुअल ही बनेगा। हाँ बिल्कुल अंकित मिश्रा, बिल्कुल वर्चुअल ही बनेगा, हाँ बिल्कुल वर्चुअल बनेगा। अब देखिए द सन इज ऑब्जर्व टू बी रेडिश व्हेन इट इज नियर द होरिजोन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, दिस इज बिकॉज, वही कह रहा है सूर्य का कलर जो है, सन का, सूरज का लाल रंग सुबह और शाम को क्यों दिखाई देता है, जल्दी बता दीजिए फटाफट, सूर्य का रंग जो है लाल सुबह और शाम को क्यों दिखाई देता है, सनराइज और सनसेट के टाइम पे, मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे सूरज का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, व्हाई सन अपीयर्स रेडिश एट दी टाइम ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग या सनराइज या सनसेट, फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अनुज मिश्रा ये बता रहे, कनकेव लेंस केस व्हाट, कनकेव लेंस में वर्चुअल, अबे कृष्णा इन केस ऑफ कनकेव लेंस ऑलवेज वर्चुअल इमेज आर फॉर्म्ड, ऑलवेज वर्चुअल इमेज आर फॉर्म्ड एंड स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अभय कृष्णा इन केस ऑफ कनकेव लेंस ओनली वर्चुअल इमेज आर फॉर्म्ड। हाँ जल्दी, हाँ स्कैटरिंग वेरी गुड, बहुतों ने बता दिया, राजकुमार प्रसाद ये बता रहे हैं, योगेश कुमार हाँ एक स्टूडेंट केरल से है तो उसके लिए इंग्लिश में बताना पड़ेगा। चलिए अरविंद, हाँ अरविंद डी बता रहे हैं, प्रेम तिवारी ए को लॉक, प्रेम तिवारी ए को लॉक, सन्नी यादव ए, हाँ बाल कृष्ण कुशवाहा ए, प्रांशु ए को लॉक, एक्वा गेमिंग बी बता रहे हैं ए को लॉक करो, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, हाँ ठीक है बिल्कुल, बाल कृष्ण कुशवाहा ए ठीक है, हाँ बिल्कुल करते हैं, एक्वा गेमिंग बी, मनोज कुमार ए, ए को लॉक करो, प्रांशु सविता भी ए को लॉक करो, बिल्कुल कर देते हैं, चलिए बिल्कुल कर देते हैं, ठीक है ना, ए को क्या कर देते हैं हम लॉक कर देते हैं, ए को क्या कर देते हैं लॉक कर देते हैं, क्योंकि लाल रंग जो है ना सबसे कम स्कैटर्ड होता है, लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है ना, रेड कलर की जो तरंग दैर्ध्य होती है, रेड की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है मैक्सिमम, रेड की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है आपकी मैक्सिमम, बहुत ज्यादा, और वायलेट की सबसे कम, तो जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो क्या होता है बताइए, वो कम से कम स्कैटर होता है, वो कम से कम क्या होता है स्कैटर होता है, कम से कम बिखरता है, वो क्या होगा आपका कम से कम बिखरता है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, लाल जो रेड कलर है वो आपका, हाँ बिल्कुल, हाँ हरियाणा से पढ़ाते हैं, हाँ बिल्कुल हिंदी में, प्रेम तिवारी जी बिल्कुल हिंदी में, जो तरंग दैर्ध्य है लाल रंग का, जो तरंग दैर्ध्य है आपका लाल रंग का वो क्या होता है सबसे कम, वेवलेंथ क्या होती है सबसे कम, इसीलिए वो जो वेवलेंथ है वो आपकी क्या होती है मैक्सिमम, लाल की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है सॉरी मैक्सिमम, बहुत ज्यादा, रेड का जो वेवलेंथ है बहुत ज्यादा, तो इसके कारण वो क्या होता है कम बिखरता है कम, इसीलिए आपने देखा होगा खतरे का निशान जो होता है, जो भी खतरे के डेंजर सिग्नल्स वगैरह हैं वो आपके किस चीज के होते हैं वो लाल रंग में होते हैं, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल, ट्रेन का सिग्नल, सारा आपका किस में होता है लाल रंग में होता है, क्योंकि वो बिखरता कम है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है बहुत ज्यादा होती है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है हाँ ज्यादा, और स्पीड भी ज्यादा, वेरी गुड। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपके बोर्ड के ऊपर, फटाफट इसका आंसर कर दीजिए, फटाफट आंसर कर दीजिए, दो इसमें क्या है स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है ना, दो कथन आपके पास जो है वो गिवन है, इसमें दो कथन है, आपको दोनों स्टेटमेंट पढ़ना है और इन दोनों के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है आंसर करना है, इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या है आंसर करना है। तो पहला जो है जैसे ए के लिए मान लो बोथ दी स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू या स्टेटमेंट टू इज दी करेक्ट,
या आपको जो है क्या बताना है कि पहला स्टेटमेंट सही है या दूसरा गलत है, दोनों सही है दोनों गलत है, ये बताने हैं इस तरह से। हाँ विशाल प्रजापति गोरखपुर से हैं, प्रांशु हाँ भिवानी से पढ़ाते हैं। अरविंद कुमार सर मॉर्निंग में कितने बजे पढ़ाते हो? मॉर्निंग में 8 बजे से क्लास होती है, 8 से 9, मॉर्निंग में 8 से 9 आपकी जो है क्लास होती है। ठीक है जल्दी फटाफट बता दीजिए, फटाफट बता। गोरखपुर से विशाल प्रजापति जी मोस्ट वेलकम। ये स्टेटमेंट आप पढ़िए, ठीक है ना, स्टेटमेंट पढ़िए और फटाफट इसका आंसर कर दीजिए। डायमंड इज वेरी ब्राइट, डायमंड जो है वो बहुत ब्राइट है, बहुत चमकीला है। और उसके बाद कहा गया डायमंड हैज वेरी लो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, डायमंड हैज वेरी लो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो आपको बताना है दोनों कथन सही हैं या दोनों गलत हैं, एक सही है एक गलत है, फटाफट बताइए। पहले 29वां क्वेश्चन करिए। हाँ हिंदी नहीं है, बिल्कुल है हिंदी। डायमंड जो है बहुत चमकीला होता है, हाँ डायमंड बहुत चमकीला है, डायमंड इज वेरी ब्राइट। और दूसरा है डायमंड हैज वेरी लो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, डायमंड में बहुत कम अपवर्तक सूचकांक है। तो आप फटाफट बता दीजिए। हाँ एयरफोर्स फॉर्म कोई बात नहीं इसमें, हाँ बिल्कुल हरियाणा से, बिल्कुल हरियाणा से। हाँ फटाफट बताइए। हाँ डायमंड जो है बहुत ब्राइट है, डायमंड हैज वेरी लो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, डायमंड में बहुत कम अपवर्तक सूचकांक होते हैं। तो आपको ये बताना है दोनों सही है या क्या है, एक सही है एक गलत है, जल्दी फटाफट बताइए, फटाफट बताइए आप। हाँ क्या ऑप्शन जो है इसका ठीक होना चाहिए, क्या इसका ठीक रहना चाहिए, फटाफट बताइए क्या ठीक होगा, जल्दी बता दीजिए। हाँ ए बता रहे हैं योगेश कुमार, ए अमल उपाध्याय, ए फर्स्ट, बिल्कुल। जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। इसके अंदर पहला स्टेटमेंट जो है, पहला कथन जो है वो सही है, और दूसरा कथन क्या है इसमें गलत है। पहला कथन क्या है सही है, दूसरा कथन क्या है गलत है। डायमंड का हाई रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है, डायमंड का जो है बहुत ज्यादा अपवर्तक सूचकांक होता है, डायमंड का क्या है बहुत ज्यादा अपवर्तक सूचकांक होता है। बिल्कुल वन, बिल्कुल वन कर दिया। हाँ पहला सही दूसरा गलत, वेरी गुड बालकृष्ण कुशवाहा, पहला सही दूसरा गलत, ठीक है ना। क्योंकि डायमंड का इसने कहा है लो, लो तो होता ही नहीं है। लाइक और शेयर करते रहे प्लीज, क्लास को आप लाइक और शेयर करते रहे प्लीज। देखिए किसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो डायमंड का है वो क्या होता है आपका, बहुत ज्यादा। डायमंड का हीरे का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, अपवर्तक सूचकांक बहुत ज्यादा। इसने कहा है लो, इसने कहा है लो, ए इज राइट, बिल्कुल राइट। हाँ शेयर ठोको, बिल्कुल विवेक शुक्ला जी कह रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ 100 बच्चे लाइव करने हैं, 100 बच्चे लाइव करने हैं, ठीक कह रहे हैं विवेक शुक्ला जी, ओके थैंक यू। हाँ हाँ 2.42 होता है डायमंड का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तक सूचकांक सबसे ज्यादा होता है डायमंड का, कितना होता है 2.42, डायमंड का कितना होता है 2.42 मैक्सिमम, और ये कह रहा है सबसे कम, तो ये तो गलत है। अब आज ये 30वें क्वेश्चन के ऊपर 30 क्वेश्चन, इसमें आप लोग बताइए दो स्टेटमेंट इसमें भी है, दो कथन इसके अंदर भी है। ड्यू टू डिफ्यूज्ड और रेगुलर irregular reflection of light, a closed room gets light, even no direct sunlight falls inside the room. ये कह रहा है कि बंद कमरे में भी जो है प्रकाश मिलता है जबकि धूप कमरे के अंदर नहीं आती। पहला कथन है कि जैसे कमरा बंद है फिर भी उसके अंदर रोशनी आती है जबकि धूप नहीं आती कहीं से भी, ठीक है, पहला कथन ये है। दूसरा कथन आपके पास, और ये कह रहा है कि अनियमित परावर्तन के कारण, किसके कारण, विसरित या अनियमित परावर्तन के कारण, ठीक है। मेरा भी नेम ले, बिल्कुल प्रेम तिवारी जी, ले लिया नाम ले लिया, बिल्कुल प्रेम तिवारी जी लेते ही है नाम तो आपका। चलिए हाँ लाइक करो प्लीज, लाइक और शेयर करते रहे प्लीज, लाइक और शेयर करते रहे क्लास को, ठीक है ना। तो देखिए और दूसरा कथन क्या है, दूसरा कथन इसमें क्या कह रहा है कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कह रहा है कि जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन उसको बोलते हैं जो रे पैरेलल ना हो या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो ना करे। वही कह रहा है कि अनियमित प्रतिबिंब जहां परावर्तित किरणें समानांतर नहीं होती और परावर्तन के नियम को, परावर्तन के नियम का पालन भी नहीं करती हो, ठीक है ना, यहां थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, परावर्तन के नियम का भी पालन नहीं करती हो। फटाफट बताइए इसमें कौन सा ठीक है, इसमें कौन सा ठीक है ये बताइए, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, फटाफट बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, फटाफट बता दीजिए। हाँ फटाफट बता दीजिए कौन सा सही। हेलो सर, हाँ चंदन कुमार, हेलो बिल्कुल,
हाँ एक सही है, और बी पीडीएफ सेंड कर देंगे, अशरूफ मंडल पीडीएफ भी मिल जाएगा, चंदन कुमार ए बता रहे। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर क्या है, दोनों कथन सही है, इसके अंदर क्या है आपका, दोनों कथन सही है, और जो दूसरा कथन है वो पहले, देखिए कथन तो इसके अंदर दोनों सही है, स्टेटमेंट वन भी स्टेटमेंट टू भी। वो आपने देखा होगा कि कहीं से भी सनलाइट अंदर नहीं आ रही हो, सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं आ रहा हो, फिर भी रूम कमरे के अंदर क्या होता है, लाइट होता है, पहला कथन सही है। और ये कह रहा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, जो पैरेलल ना हो और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो ना करे। तो यहां पे इसके सपोर्ट में ये बात कही गई है, इसके सपोर्ट में दूसरा कथन कहा गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब दोनों कथन सही है, और जो दूसरा कथन है वो पहले का क्या है, एक्सप्लेनेशन है, पहले का क्या है का एक्सप्लेनेशन है, यानी कि इसके दोनों कथन क्या है सही। हाँ बोथ ट्रू, बोथ ट्रू, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ट्रू है, दोनों आपके क्या है, ट्रू है इसके अंदर। अब फटाफट अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर कर दीजिए। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर पता है ना आपको, बताया था कि जमीन के अंदर पाइप शेप का स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर नेट वगैरह, ऑडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल हम बहुत लंबे दूरी तक क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये एप्लीकेशन है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये कह रहा है ऑप्टिकल फाइबर्स द बेंट इन एनी मैनर अलाउज लाइट टू पास थ्रू, व्हाट इज द इंफरेंस दैट वन कैन ड्रॉ फ्रॉम इट। अब एक बात बताओ, ये कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर चाहे कितना भी मुड़ा हुआ हो, जो ऑप्टिकल फाइबर है वो चाहे कितना भी मुड़ा हुआ हो, फिर भी उसमें से लाइट पास हो जाता है, मतलब बिल्कुल एकदम मुड़ा हुआ हो, अलग अलग डायरेक्शन में हो, फिर भी उसके अंदर लाइट पास हो जाता है। तो आपको इसमें से बताना है कि वो कौन सी लाइट की प्रॉपर्टी होती है, कौन सी लाइट की प्रॉपर्टी होती है, जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल प्रांशु, हाँ हिंदी भी ठीक करेंगे, बिल्कुल ठीक करेंगे, ये बताना है लाइट की। वीके डोरे, हाँ सी, ब्रजेश राज ए, हाँ राजकुमार प्रसाद डी, हाँ प्रांशु ये, हाँ इंग्लिश एक बार आप देख लें, इंग्लिश आप देख लें, हाँ वो भी ठीक करेंगे। साजल तिवारी सी बता रहे हैं, साजल तिवारी सी बता रहे हैं, हाँ फटाफट बता दीजिए, हाँ फटाफट, ये ऐसा क्यों होता है, हाँ किसके कारण होता है, हाँ आप लोगों को बता रखा है कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर होगा क्या, ऑप्टिकल फाइबर डी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं सी, हाँ फटाफट ए, हाँ हाँ क्या डी, व्हाट इज डिफिकल्टी, व्हाट इज डक्टिलिटी, अभय कृष्णा डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच इट कैन ड्रॉज इनटू, डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है इसके कारण हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, वायर में, यानी डक्टिलिटी इज दी प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय विच इट कैन ड्रॉज इनटू थीन वायर्स, ठीक है। चलिए डी बता रहे हैं, डी नाम लो, अंकित मिश्रा बिल्कुल ले लिया, डी बिल्कुल जो है वो क्या है, ठीक है, डी क्या है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर काम ही किस पे करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, ऑप्टिकल फाइबर काम ही किस पे करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, आपको इसका एप्लीकेशन बता रखा है, ऑप्टिकल फाइबर काम किस पे करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सर अमरजीत कुमार, हाँ बिल्कुल नाम ले लिया, बिल्कुल नाम लिया, बी को लॉक नहीं कर सकते, सी आएगा, डी ठीक है ना, डी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, किसके कारण होता है, कुल आंतरिक परावर्तन के कारण, किसके कारण, कुल आंतरिक परावर्तन के कारण, किसके कारण, कुल आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है ना। आपका क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, क्या काम करता है आपका, ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, ध्यान रखिएगा, किसके कारण, कुल आंतरिक परावर्तन के कारण, फटाफट बता दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका जो है करेक्ट था। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आप इसमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा कथन जो है वो सही है। ये इमेज फॉर्मेशन का केस है आपका, किसका केस है, इमेज फॉर्मेशन का, कनकेव और कन्वेक्स में से। हाँ सर वाई ग्रुप के लिए, हाँ मेरा नाम भी विवेक सैनी, हाँ विवेक सैनी जी बिल्कुल नाम ले लिया, मयंक कटियार प्लीज, हाँ बिल्कुल नाम ले रहे हैं, बिल्कुल नाम ले रहे हैं, ठीक है ना। जीशु अंसारी डी बता रहे हैं, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है, इसमें आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल सही है, फटाफट बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है, धीरे, हाँ फटाफट, हाँ आंसर कर दीजिए,
इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, हाँ कौन सा कथन सही है ये बात बतानी है। हाँ ये बात आपको बतानी है, कौन सा कथन इसके अंदर सही है, कौन सा कथन सही है, फटाफट बताइए। हाँ बिल्कुल, इतना नहीं लगना चाहिए। हाँ प्रतिबिंब लिख रहे हैं, हाँ वहां परावर्तन आएगा, ठीक है ना, टाइपिंग एरर है, परावर्तन आएगा। प्रांशु सविता, परावर्तन आएगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन की जगह पे परावर्तन आएगा। हाँ बिल्कुल, फटाफट बताइए। यहां देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है आपका, द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर फॉर एन ऑब्जेक्ट लाइंग एट इन्फिनिटी इज एट प्रिंसिपल फोकस हाईली डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड। ये कह रहा है कनकेव मिरर पे, आपको अभी डायग्राम से बताता हूं, कनकेव मिरर पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया, ठीक है ना, कहां पे, किस जगह पे रखा जाता है। ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है, कनकेव मिरर है आपका, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक है। कनकेव मिरर आपका कौन सा होता है, कनकेव मिरर हम किसको बोलते हैं, तो ये आपका कौन सा हो गया, ये उत्तल, ठीक है, ये आपका पोल हो गया, ये फोकस होता है, और ये क्या होता है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे, ये कह रहा है कि इन्फिनिटी पे रखिए ऑब्जेक्ट को, तो ऐसे जाएगा, इधर से गया, एक और ले आइए आप, एक और ले आइए, ठीक है, एक और ले आते हैं, ये किधर से गया, इस साइड से गया, तो यहां पे क्या हो गया आपका, इमेज फॉर्म हो गया ना। तो किस तरह का, नेचर में क्या क्या बात आई, नेचर में क्या क्या बात आई, कहां कहां पे बना है, तो सबसे पहली बात आई रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और क्या बना है, उल्टा बना है। दूसरी बात इसमें क्या आई, कहां पे बना है, एट फोकस, एफ पे बना है, कहां पे बना है, फोकस पे बना है। और तीसरी बात क्या आई, बहुत छोटा बना है, क्या बना है, हाईली डिमिनिश्ड, क्या बना है, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब जब अनंत पे रखते हैं तब, तब की बात है। तो ये तीन केस हो गए, तो ये जिस स्टेटमेंट में है वो आपका क्या है, ठीक है। तो पहला ही देखिए क्या है, यहां पे लिखा हुआ है द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइंग एट इन्फिनिटी इज एट फोकस, फोकस पे बना, हाईली डिमिनिश्ड बना, बहुत छोटा बना, और रियल एंड इन्वर्टेड बना। अभी आपको डायग्राम में ये सारी चीजें दिखाई है, अभी आपको रियल कैसे पहचानते हैं, जो आपके स्ट्रेट लाइन से फॉर्म हो वो रियल है, ठीक है ना, वो जो स्ट्रेट लाइन से फॉर्म होगा वो आपका रियल, रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, रियल इमेज हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, और तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, और हमें चेक करने की ही जरूरत नहीं है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, जो पहला ऑप्शन है वो हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ब्रजेश सर, रियल कैसे पहचानते हैं, रियल, रियल कैसे पहचानेंगे, देखिए ये केस होता है इसके अंदर, ये आपके कनकेव मिरर है, ठीक है ना, कनकेव मिरर है, जब तक सेम साइड में रहेगा, जब तक इमेज सेम साइड, इसी साइड आपका इमेज बन रहा हो ना, तो वो रियल है, जो लेफ्ट हैंड साइड में ही इमेज बन रहा हो वो आपका क्या होता है, रियल, और इस साइड क्या होता है आपका, वर्चुअल, इस साइड क्या होता है आपका, वर्चुअल, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये कब होता है, ये एक ही केस में होता है, जब आप यहां पे रखते हैं फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में, तब वर्चुअल बनेगा, बाकी हर एक जगह पे क्या बनता है, रियल, बाकी हर एक जगह पे क्या बनता है, रियल। हाँ प्रेम तिवारी जी, बिल्कुल नाम ले लिया, हाँ प्रेम, अंकित मिश्रा, हाँ बिल्कुल ठीक है, ए, हाँ जो उल्टा बनता है वो रियल होता है, बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल रियल होता है, ठीक है, ये आपको बता दिया। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगला क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए, फटाफट इसका आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड बातें पूछी गई हैं आपसे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड बातें पूछी गई हैं, जो यौगिक सूक्ष्मदर्शी होता है इसके बारे में कौन सा कथन सही है, जल्दी बताइए, कथन पढ़िए और एक बार फटाफट आंसर करिए, एक बार फटाफट आंसर करिए, एक बार कथन पढ़िए और जल्दी आंसर करिए। हाँ पीडीएफ मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा पीडीएफ, इसमें कौन सा कथन सही है जल्दी बता दीजिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में कौन सी बात सही है, कौन सा कथन सही है ये बात बताना है आपको, कौन सा कथन जो है वो सही है ये बात बतानी है।
हाँ फटाफट बताइए। हाँ कौन सा कथन सही है, ये बात बतानी है, कौन सा कथन सही है। हाँ बिल्कुल फटाफट बताइए। अमल उपाध्याय, कृष्ण राज, ओके। हाँ कनकेव मिरर में रियल और वर्चुअल दोनों बनता है। हाँ बिल्कुल, कनकेव मिरर में रियल वर्चुअल दोनों बनेगा। प्रेम तिवारी जी शाबाश, नमस्ते। जीशान रजा अंसारी, हाँ नमस्ते। फटाफट इसका आंसर करिए, कौन सा कथन सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा आपको दिख रहा है, फटाफट बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है, जल्दी बताइए। वीके डोरे क्या बता रहे हैं, हाँ आंसर बताया है, क्या आएगा, हाँ फटाफट बताइए। मॉर्निंग स्टार ए बता रहे हैं, हाँ वीके डोरे बी, अंकित मिश्रा नेम लो बी, वेरी गुड अंकित, हाँ चलिए बी बता रहे मोस्टली। राम राम गुरु जी, बिल्कुल राम राम। देखिए आपसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यौगिक सूक्ष्मदर्शी के बारे में जो है चीजें पूछी गई हैं, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है कथन इसमें सही है। तो हम देख लेते हैं, हम देख लेते हैं जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो किस तरह का होता है, किस तरह का होता है, जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा वो किस तरह का होता है, ठीक है ना, यही बात देख लेते हैं। तो दो लेंस होते हैं, एक छोटा कन्वेक्स लेंस और एक बड़ा कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। इसको उत्तल दर्पण दो होते हैं, उत्तल लेंस इसमें दो होते हैं आपके, एक छोटा और एक बड़ा, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्टिव लेंस। और इसको क्या बोलते हैं, आई लेंस। तो ये बड़ा हुआ ना, इसको क्या बोलते हैं, आई लेंस। अब आप देख लीजिए, और इमेज कैसा बनता है इसमें, वर्चुअल। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनता है, वर्चुअल, आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग खुद बता दीजिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज लार्जर देन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। मतलब कह रहा है आई लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है ऑब्जेक्टिव से, तो होता ही है, वो अभी हमने देख ही लिया ना, वो अभी हमने देख ही लिया था। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ होगा, आई लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव से ज्यादा। तो ये आपका ये ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा कथन क्या है, दी फोकल लेंथ ऑफ आईपीसी स्मॉलर देन दी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऐसा नहीं होता, अभी तुरंत देखा था कि ऐसा नहीं होता। हाँ चित्र बना के समझाना, बिल्कुल समझा दिया, बिल्कुल बता दिया प्रांशु सविता, ठीक है। हाँ अब देखिए दूसरा कथन गलत हो गया, द इमेज प्रोड्यूस्ड इन अ नॉर्मल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज रियल। रियल तो होता ही नहीं है, रियल तो होता ही नहीं है, क्या होता है आपका, वर्चुअल होता है। रियल तो होता ही नहीं है, क्या होता है आपका, वास्तविक छवि तो बनती नहीं, आभासी छवि बनती है, ये भी गलत। उसके बाद क्या है, द इमेज प्रोड्यूस्ड इन अ नॉर्मल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज वर्चुअल। हाँ ये आपका क्या है, सही है। जो छवि बनती है वो आभासी होती है, जो छवि बनती है वो आभासी होती है, अभी बताया था। तो पहला और चौथा जो है वो क्या है आपका, सही है। पहला और चौथा जो है वो आपका क्या है, सही है, फर्स्ट और फोर्थ। हाँ बिल्कुल अभी बता देते हैं, हाँ अभी बता देते हैं सर, प्लीज बताइए। हाँ राके एक्स वाई ग्रुप, हाँ बिल्कुल बेनिफिट, हाँ एक्स टेक्निकल हो गया, वाई नॉन टेक्निकल हो गया। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक बार डायग्राम देख लीजिए आप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। दो आपके क्या होते हैं इसमें, दो आपके उत्तल लेंस होते हैं, दो क्या होते हैं, उत्तल लेंस। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसमें क्या होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ये आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये क्या होता है आपका, आई लेंस। जो दूसरा है वो क्या होता है आपका, आई लेंस। दूसरा क्या होता है आपका, आई लेंस, आई पीस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आई पीस भी बोलते हैं, ठीक है ना। और देखिए इधर से आप रखेंगे कहीं पे, तो इधर आपका क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है। ऑब्जेक्ट को कहीं रखेंगे तो इधर क्या होता है आपका, कहीं पे इमेज फॉर्म होगा। और इस ये किसका काम करता है, इधर ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का, ये इसके लिए। तो यहां पे फाइनल इमेज देखिए, इस लेंस से जो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज बनता है वो आई लेंस के लिए किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का। तो इमेज कैसा बना, वर्चुअल। फाइनल इमेज जो बना वो क्या बना, आभासी, वर्चुअल बना। और ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस आई लेंस से क्या होता है, छोटा होता है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो आई लेंस से क्या होता है आपका, छोटा होता है। ये कंसेप्ट है आपका, ये कंसेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन के ऊपर।
अगले क्वेश्चन में ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, फटाफट बता दीजिए इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, जल्दी बताइए फटाफट, कथन पढ़ के एक बार जल्दी बताइए। हाँ जो फर्स्ट है वो ऑब्जेक्टिव, हाँ दूसरा आई लेंस, हाँ आई पीस बड़ा होता है ना, आई पीस बड़ा होता है, हाँ बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा स्टार्टिंग से, यहाँ प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं सारी वीडियो पड़ी है आपकी, हाँ वहां से चेक कर सकते हैं। हाँ फटाफट बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है वो आपका क्या है, गलत है, फटाफट बताइए कौन सा कथन। दो होते हैं सूक्ष्मदर्शी, हाँ प्रांशु सविता, दो होते हैं, दो होते हैं, ठीक है, एक सरल होता है एक यौगिक होता है, सूक्ष्मदर्शी दो होते हैं, माइक्रोस्कोप दो होते हैं, एक सिंपल एक कंपाउंड, एक सिंपल एक कंपाउंड, दो होते हैं। हाँ एक बार आप प्लीज शेयर कर दें, एक बार शेयर कर दें, ठीक है। हाँ इसमें से कौन सा कथन जो है वो आपको बताना है गलत है, तो पहला है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज ट्वाइस इट्स फोकल लेंथ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकल लंबाई के तो दोगुनी ही तो होती है, जो आर है वो किसके बराबर, 2f के बराबर, आर जो है वो किसके बराबर, 2f के बराबर, यही होता है, ये तो कथन सही है। पावर ऑफ अ कनकेव लेंस इज नेगेटिव दैट ऑफ कनकेव, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव और कनकेव की पॉजिटिव बता रहा है, इस ये गलत हो सकता है कथन, क्यों देखिए आप लोग, कन्वेक्स लेंस जो होता है, कन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस, इसका जो फोकल लेंथ होता है ना वो होता है पॉजिटिव और पावर क्या होता है, 1/f, तो ये अगर पॉजिटिव हुआ तो पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव, पावर भी क्या होता है इसका, पॉजिटिव, कन्वेक्स लेंस का पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर हम बात करें कनकेव की, हम किसकी बात करें, अवतल की, कनकेव लेंस की, तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसका फोकल लेंथ होता है नेगेटिव, फोकल लंबाई क्या होती है इसकी, माइनस में, तो इसका पावर भी किस में रहा होगा, इसका पावर भी, पावर का फॉर्मूला 1/f होता है, तो पी भी, पावर भी क्या होगा, माइनस में, नेगेटिव, पावर भी क्या होगा, नेगेटिव में, तो कन्वेक्स लेंस का जो पावर है, ठीक है ना, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, कन्वेक्स लेंस का, हाँ गुड इवनिंग सर बलिया वाले, बिल्कुल अमित यादव जी मोस्ट वेलकम, कन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव और कनकेव लेंस का पावर क्या होता है, नेगेटिव। आप देख लीजिए इसने क्या कहा, इसने कहा कन्वेक्स लेंस की नेगेटिव, इसने क्या कहा उत्तल लेंस की शक्ति ऋणात्मक, गलत बात है कि नहीं है, अभी आपको क्या बताया था, कन्वेक्स का क्या होता है धनात्मक, पॉजिटिव ना, और कनकेव का ये पॉजिटिव बता रहा है, कनकेव का ये पॉजिटिव बता रहा है, तो बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, तो इसका मतलब कौन सा कथन जो है इसमें आपका क्या है, गलत है, तो ये वाला कथन गलत है, तो बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन क्या हो गया इसका, करेक्ट हो गया। हाँ बिल्कुल बालकृष्ण कुशवाहा पटना से बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, न्यूमेरिकल, बस न्यूमेरिकल ही, अगला अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका न्यूमेरिकल ही है, ठीक है ना, तो ये जो है आपके इसमें कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, जो सेकंड वाला है वो क्या है आपका गलत है, जो दूसरा कथन है वो सही नहीं है। अब फटाफट आ जाइए अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए फटाफट, इसका आंसर करिए, न्यूमेरिकल है ये, न्यूमेरिकल है, ये कह रहा है लेडी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 meter फ्रॉम इट, She walks 60 centimeter towards the mirror. The distance of her image now from herself. ये एक लेडी है, ठीक है ना, एक लेडी है, वो जो है 1 meter की दूरी पर खड़ी है, कहां से, प्लेन मिरर से 1 meter की दूरी पे खड़ी है वो, ठीक है, और वो दर्पण की ओर फिर कितना चलना शुरू कर दिया उसने, 60 centimeter, वो 60 सेंटीमीटर दर्पण की ओर, मिरर की ओर जो है वो उसने चलना शुरू कर दिया, उसकी छवि की दूरी खुद से कितनी हो जाएगी ये बताना है, उसके इमेज का डिस्टेंस खुद से कितना हो जाएगा, फटाफट बताइए, फटाफट आंसर करिए। हाँ गुजर की राम राम, बिल्कुल, हाँ मावी अभिषेक गुजर जी बिल्कुल, हाँ मयंक कटियार ये बता रहे, मनीष डी, अमृत पांडे हाय सर, हाँ बिल्कुल हाय, हाँ फटाफट इसका आंसर करिए, फटाफट आंसर कर दीजिए, हाँ फटाफट आंसर कर दीजिए, क्या है अब उसकी जो है, हाँ कितने दूर पे उसका इमेज फॉर्म होगा, कितने दूर पे उसका इमेज फॉर्म होगा ये बात बतानी है, कितने दूरी पे उसका इमेज फॉर्म होगा फटाफट बता दीजिए,
हाँ फटाफट बता दीजिए। हाँ कितनी दूरी पे उसका इमेज फॉर्म होगा? हाँ कितनी दूरी पे उसका जो है इमेज हाँ फॉर्म होगा? जल्दी बता दीजिए। हाँ फटाफट, वेरी गुड। हाँ कितनी दूरी पे उसका इमेज फॉर्म होगा ये बात बतानी है आपको। सी बता रहे हैं, ठीक है। नहीं पता प्रांशु सविता, नहीं पता, चलिए अभी बता देते हैं। हाँ सी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, सी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। प्रांशु सविता नहीं पता, अजय कुमार सी। हाँ अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। बालकृष्ण कुशवाहा 40 होगा क्योंकि इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू वस्तु दूरी। 40 नहीं, अभी बता देते हैं। हाँ अभी बता देते हैं। देखिए क्या कंसेप्ट है इसके अंदर। अमन यादव नाम नहीं ले रहे आप? बिल्कुल अमन यादव जी नाम ले लिया, बिल्कुल ले लिया। अंकित मिश्रा ए। हाँ अमन सविता अभी बताते हैं। देखो क्या है आपके पास कि प्लेन मिरर से, एक क्या है आपके पास, एक समतल दर्पण, ठीक है ना। इससे 1 मीटर की दूरी पे एक लेडीज खड़ी है, 1 मीटर की दूरी पे। मान लीजिए ये कितना है आपका, 1 मीटर की दूरी पे ये खड़ी है। 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। अब ये क्या, इसने क्या किया, ये यहां पे खड़ी थी पहले कितने दूर पे, 1 मीटर पे, ध्यान से समझिएगा। हाँ अमरजीत कुमार नहीं पता। सर बी क्यों नहीं होगा, अभी बता रहे हैं बी क्यों नहीं। हाँ अनुज मिश्रा 80 सेंटीमीटर बता रहे हैं, ठीक है। देखिए ये कितने दूरी पे खड़ी थी इस मिरर से, वो जो लेडीज है वो कितने दूरी पे खड़ी है बताइए, वो खड़ी है 100 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है, 1 मीटर पे। अब ये क्या कर रही है, 60 सेंटीमीटर मिरर की तरफ जा रही है। क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है ना कि दर्पण की ओर 60 सेंटीमीटर चल रही है, मतलब यहां से ये 60 सेंटीमीटर यहां पहुंच गई, यहां ये पहुंच गई, कितना चल के पहुंच गई, तो ये चल पड़ी यहां से 60 सेंटीमीटर। अब ये पहले यहां पे थी, अब कहां पे आ गई ये, 60 सेंटीमीटर। अब कहां पे आ गई ये, यहां पे 60 सेंटीमीटर पे आ गई। तो अब जो है आपको ये बताना है कि उसके और उसके इमेज के बीच में कितनी दूरी रह गई। तो आप बताइए कि यहां पे अब क्या बचा, कितना बचा, 40 बच गया ना। अगर ये 60 चल गई तो बचा कितना, आप लोग खुद बताइए बचा कितना। सी को लॉक, हाँ बिल्कुल कर देंगे। अभी जो है ये कितना बच गया, 40 सेंटीमीटर रह गया ना, कितना रह गया, 40 सेंटीमीटर। तो आप बताइए 40 सेंटीमीटर ये क्या है, मिरर से दूर खड़ी है और मिरर के अंदर भी क्या होगा, 40 सेंटीमीटर। और तो ये जो है दूरी कितनी हो जाएगी, 40 गुना में 2 कितनी हो गई, 80 सेंटीमीटर हो गई क्या। 40 गुना में 2 किसके बराबर, 80 सेंटीमीटर के बराबर होगी क्या। 40 गुना में 2 किसके बराबर, 80 सेंटीमीटर। वो उसका जो इमेज फॉर्म होगा खुद से वो कितने पे होगा, 80 सेंटीमीटर पे। ए नहीं 120 नहीं, अभय पांडे 120 नहीं, बिल्कुल 120 नहीं, ठीक है ना, 120 बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने देख लिया कितना है, 80 सेंटीमीटर, क्योंकि 40 60 तो ये आगे चल पड़ी, 60 तो ये चली गई, 40 बचा ना, तो 40 तो इस साइड ये यहां पे खड़ी है, इमेज क्या बनेगा, और 40 हम उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 40 इस साइड 40 इस साइड, यानी कि कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर, यानी कि उसके और उसके प्रतिबिंब में उसकी छवि में जो दूरी रह गई वो कितनी हो गई आपकी, वो कितनी रह गई, हाँ वो कितनी रह गई, 80 सेंटीमीटर, बिल्कुल आपका ठीक था, चलिए वेरी गुड। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगले क्वेश्चन के ऊपर आ गई, फटाफट इसका आंसर कर दीजिए, फटाफट इसका आंसर कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, ठीक है, उसको अवतल दर्पण के सामने रखा गया है जिसका फोकल लेंथ कितना है, 16 सेंटीमीटर, जिसका फोकल लेंथ कितना है, 16 सेंटीमीटर। उसको कहां पे रखा गया है, उसके वक्रता त्रिज्या पे, ठीक है, कहां पे, वक्रता केंद्र के ऊपर रखा गया है। और अब कह रहा है इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड बाय 8 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को फोकस की तरफ ले जा रहे हैं 8 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है नेचर ऑफ इमेज कितना होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा इसका, ठीक है। एक कोई वस्तु है उसको अवतल दर्पण के सामने रखा गया है जिसकी फोकल लंबाई कितनी है,
जिसकी फोकल लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट को 8 सेंटीमीटर किधर रखा जा रहा है बताइए, फोकस की तरफ स्थानांतरित कर रहे हैं, किधर 8 सेंटीमीटर फोकस के तरफ। तो आपको बताना है छवि की प्रकृति क्या होगी, फटाफट बताइए छवि की। हाँ रीजनिंग वाले सर क्यों नहीं आए, विवेक शुक्ला आज कुछ जरूरी काम था इसीलिए नहीं आए, कल से आपकी क्लास लगेगी, कल से आपकी क्लास लगेगी, फटाफट बताइए इसका आंसर कर दीजिए। हाँ इसका आंसर कर दीजिए फटाफट कर दीजिए। हाँ क्या होगा, किस तरह का इमेज फॉर्म होगा इसका, किस तरह का इमेज फॉर्म होगा जल्दी बता दीजिए। हाँ किस तरह का इमेज फॉर्म होगा आपको ये बताना है, हाँ कैसा इमेज फॉर्म होगा ये बताना है। कनकेव मिरर है, मिरर आपका कैसा है, कनकेव है। हाँ किस तरह का फॉर्म होगा ये बात बता दीजिए फटाफट बता दीजिए। वेरी गुड, हाँ क्या बता रहे, ए बता रहे, सॉरी सर ए, कोई नहीं कोई बात नहीं, सॉरी कोई बात नहीं, अगर हाँ कोशिश करोगे जभी तो वैल्यू आएगी ना। अमन यादव ए बता रहे हैं, मनोज कुमार ए, हाँ अमरजीत कुमार बी, अमरजीत बी कैसे, बी कैसे, बी तो नहीं आएगी ना वैल्यू, बी नहीं आएगी वैल्यू। फटाफट बता दीजिए फटाफट बता दीजिए, हाँ फटाफट बता दीजिए। अभी हम इसको न्यूमेरिकल से करना पड़ेगा, मॉर्निंग में कंसेप्ट होंगे या क्वेश्चन। मनीष शर्मा जी मॉर्निंग में आपके क्वेश्चंस होते हैं, मॉर्निंग में क्वेश्चंस होते हैं। अंकित मिश्रा नाम लो, बिल्कुल नाम ले लिया, बिल्कुल नाम ले लिया, बिल्कुल नाम ले लिया, ठीक है। प्रेम तिवारी ए, अनुज मिश्रा। देखिए कंसेप्ट आप लोग सीखिए एक बार प्लीज, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको जो है कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और क्या जरूरत पड़ेगी वो देखिए। आपके पास क्या है, कोई एक कनकेव मिरर है, ठीक है ना, कोई क्या है कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक है। अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसका ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। इसका फोकल लेंथ कितना है 16 सेंटीमीटर, ये इसका जो फोकस है ये कितने सेंटीमीटर पे है 16 सेंटीमीटर पे, ये गिवन है 16 सेंटीमीटर पे, 16 सेंटीमीटर पे। ये कह रहा है ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ है, सी के ऊपर, ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ है इसने, सी के ऊपर। तो आप बताइए एफ 16 इस साइड में है लेफ्ट में, तो -16 होगा, आर कितना हो गया इसका 32 हो गया क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या हो जाता है दो गुना 35। हाँ समझा देंगे विकास गौतम जी, बिल्कुल समझा देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल वो भी समझा देंगे। F आपका क्या था, F क्या है आपका -16, R कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा क्या, R कितना हो जाएगा आपका 32 हो गया। अब आप बता दीजिए R 32, F आपका कितना है -16 है, F कितना है -16 है, और U अब ये कह रहा है ऑब्जेक्ट को ना और शिफ्ट कर दिया, किधर शिफ्ट कर दिया 8 सेंटीमीटर आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, फोकस की तरफ, ऑब्जेक्ट को किधर शिफ्ट कर दिया 8 सेंटीमीटर आगे की तरफ। तो ये मान लीजिए 32 है, तो 32 में से 8 घटा दीजिए, 32 में से 8 घटा दीजिए कितना हो गया 24, ऑब्जेक्ट कितना हो गया आपका -24 सेंटीमीटर हो गया क्या, ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में देखिए, पहले यहां पे था, इधर से 8 सेंटीमीटर और हम फोकस की तरफ ले जा रहे हैं, तो 32 में से 8 घटाना पड़ेगा, तो यू कितना हो गया बताइए, यू कितना हो गया -24 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है आपका बताइए, फोकल लेंथ कितना है -16। तो अब आप लोग वी बता देंगे क्या इसमें से, इसमें से हम मिरर फॉर्मूला का यूज करके वी बता देंगे क्या, क्या फॉर्मूला होता है 1 by f equals to 1 by v plus 1 by u, दर्पण सूत्र यही होता है ना, 1 by f equals to a ही होगा, अभी देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल विवेक शुक्ला जी, हाँ बिल्कुल, लाइक और शेयर करते रहें प्लीज। 1 by f equals to 1 by v plus 1 by u, आपको क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए ना, तो 1 by v equals to कितना हो जाएगा बता दीजिए, 1 by v equals to 1 by f minus 1 by u, यही वैल्यू हो जाएगी ना, 1 by v equals to 1 by f minus 1 by u हो जाएगी वैल्यू। तो अब आप बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, -1/48। तो v कितना हो गया, v कितना हो गया -48, v कितना हो गया माइनस। अब एक बात बताइए v की वैल्यू माइनस आ गई, v की वैल्यू क्या आ गई आपकी, माइनस,
हाँ समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर। ओके, v की वैल्यू क्या आ गई आपकी? माइनस आ गई। तो आप खुद बताइए, v अगर माइनस आ गया तो कैसा इमेज बना है, रियल या वर्चुअल? इमेज ये जो v की वैल्यू है माइनस 48 आ गई, तो इसका मतलब इधर ही बना है ना, कहीं पे इधर ही बना है। और इधर जो इमेज बनता है मिरर के अंदर, कौन से मिरर के अंदर? अवतल दर्पण के अंदर, वो क्या बनता है आपका? रियल। इधर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका? रियल। तो रियल है और मैग्नीफाइड है। वी देखिए बहुत दूर बना है, माइनस 48 मतलब बहुत इस साइड आके बना है, तो इसका मतलब क्या बन गया आपका? रियल और मैग्नीफाइड। कैसा बना है? रियल एंड मैग्नीफाइड, मतलब वास्तविक और आवर्धित। कैसा बना है? समझ गए बिल्कुल। 1/f = 1/v + 1/u होता है, बिल्कुल। हाँ प्लीज लाइक और शेयर करते रहे। हाँ वर्चुअल नहीं बनेगा मनीष शर्मा, सेम साइड में बन गया ना, मिरर के दर्पण के जिस साइड ऑब्जेक्ट को रखा था उसी साइड बन गया, उसी साइड बन गया। तो आपका क्या बना? रियल बना। और बहुत दूर बना है, देखिए माइनस 48 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कहां पे था? 24 पे। ऑब्जेक्ट 24 सेंटीमीटर पे, और इमेज कहां पे बना है? 48 पे। इमेज किस पे बना है? 48 पे। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे? रियल और मैग्नीफाइड, वास्तविक और आवर्धित। कैसा हो गया ये आपका? वास्तविक और आवर्धित हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर फटाफट। हाँ ये बता दीजिए, ये भी न्यूमेरिकल है आपका, न्यूमेरिकल है, जल्दी कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा लास्ट है आज का, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट कर दीजिए। F माइनस क्यों लिया? क्योंकि इस साइड F माइनस ही होगा ना, देखिए सेम साइड में है तो फोकल लेंथ आपका क्या होगा? माइनस ही होगा। फोकल लेंथ अगर लेफ्ट हैंड साइड में होता है प्रांशु, तो हम क्या लेते हैं? सारी वैल्यू माइनस में लेते हैं। सारी वैल्यू किस में लेते हैं? हम माइनस में लेते हैं। सारी वैल्यू किस में लेते हैं? माइनस में लेते हैं। तो ये इस साइड है, तो इसीलिए इसके इस साइड लेफ्ट में जो भी वैल्यू होती है वो सारी माइनस में होती है। सारी किस में होगी? माइनस में। अब आ जाइए 37वां क्वेश्चन, बताइए फटाफट फटाफट बताइए, लास्ट है। हाँ रविशंकर कुमार हेलो, हाँ बिल्कुल हेलो, हाँ बिल्कुल कल, हाँ हाँ स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। फटाफट बता दीजिए एक बार, फटाफट बता दीजिए, हाँ फटाफट बता दीजिए एक बार, क्या वैल्यू होगी इसमें? ए पेंसिल इज प्लेस्ड अपराइट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एक पेंसिल है, फोकल लंबाई कोई उत्तल लेंस है जिसकी फोकल लंबाई 15 सेंटीमीटर है, उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पेंसिल को रखा गया है। आप जल्दी बता दीजिए पेंसिल की छवि की प्रकृति क्या होगी? छवि की प्रकृति क्या होगी? फटाफट बता दीजिए क्या प्रकृति होगी? हाँ फटाफट बता दीजिए, हाँ क्या होगी? अब की बार क्या है आपके पास? कन्वेक्स लेंस है। अब की बार आपके पास क्या है? कन्वेक्स लेंस है। तो किस तरह का इमेज फॉर्म होगा जल्दी बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। हाँ डी होगा, रियल बनेगा। हाँ देखिए मैं आप लोगों को, हाँ सॉरी सर रियल बनेगा, अभी बता देते हैं, ठीक है ना। किस तरह का इमेज फॉर्म होगा, किस तरह का इमेज जो है आपका फॉर्म होगा? तो देखिए इसका जो इमेज फॉर्म होगा आप लोग अभी खुद बता देंगे सारी चीजें। कन्वेक्स लेंस है, लेंस कैसा है? कन्वेक्स। क्या क्या गिवन है? इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू कितनी है? -10। यू हमेशा क्या लेते हैं? माइनस में। यू -10 है। फोकल लेंथ कितना है इसका? इसका फोकल लेंथ कितना है? 15। फोकल लेंथ कितना है आपका? 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना? 15। यू की वैल्यू कितनी है? -10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ये बताना है इमेज कहां पे, तो हम लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे। हम क्या लगा लेते हैं यहाँ पे? लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। 1/f = 1/v - 1/u। आपको 1/v बताना है ना, तो 1/v = कितना हो जाएगा? 1/f + 1/u। 1/v = 1/f + 1/u। तो 1/v = 1/f कितना है? 15। 1/15 f की वैल्यू कितनी? 15। और ये कितना है? -1/10। यही वैल्यू हो जाएगी ना। अब आप लोग देख लीजिए 1/v = 15 और 10 का लेंगे एलसीएम तो कितना हो गया? 30। ये कितना हो गया? 2। ये आपका कितना हो गया? 3। ये कितना हो गया? 3। तो 1/v = बता दीजिए कितनी वैल्यू आ गई? -1/30। तो v कितना हो गया? -30 सेंटीमीटर। v कितना हो गया? -30 सेंटीमीटर। अब आप लोग बताइए v अगर -30 है तो इसका मतलब इमेज किधर बना है? अगर मान लीजिए ये आपका कन्वेक्स लेंस है तो इसका इमेज इसी साइड बन गया ना,
इसी साइड बन गया नेगेटिव तब है। तो इस साइड अगर आपका इमेज बना है तो वो रियल होता है या वर्चुअल होता है? क्या होता है? वो आपका वर्चुअल होता है। क्या होता है आपका? वर्चुअल। तो इसका क्या हो जाएगा? वर्चुअल इरेक्ट एंड रिड्यूस्ड, वर्चुअल इरेक्ट एंड रिड्यूस्ड, ठीक है ना। वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम इस साइड बन गया ना, लेफ्ट हैंड साइड में बन गया, लेफ्ट हैंड साइड में बन गया, तभी वैल्यू माइनस हमें आई हुई है ना, वी की वैल्यू। और आपको पता है कन्वेक्स लेंस में अगर माइनस में वैल्यू आई हुई है तो वो कैसा इमेज बनेगा? वो बनेगा वर्चुअल इरेक्ट और रिड्यूस्ड, वर्चुअल आभासी सीधा और कम। आगे बात समझ में? तो ये आपका इसके अंदर कंसेप्ट था। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ चलिए, क्या कंसेप्ट? हाँ, इसका क्या आ जाएगा? आपका सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम इस क्लास को खत्म करते हैं। ऑप्टिक्स जो है वो हमारा खत्म हो गया। अब जो हम कोई नई टॉपिक जो है आपके लिए स्टार्ट करेंगे, कोई भी जो है नया टॉपिक हम आपके लिए लेकर आएंगे, और वो क्लास सबको अटेंड करनी है, सबको क्लास अटेंड करनी है। कंसेप्ट की क्लास होगी, सारा टाइम टेबल आपको पहले बता दिया गया है, कल एक बार और बता देंगे आपको, ठीक है। और सबको क्लास अटेंड करनी है। आज वाले में अगर किसी को भी कहीं पे दिक्कत रह जाती है तो वो जरूर, हाँ 35 नंबर समझा दीजिए, 35 नंबर समझा दीजिए। विकास गौतम अभी देखते हैं, 35 नंबर अभी समझा देते हैं। 35 नंबर क्या है देखिए, 35 नंबर ये क्वेश्चन था कि जो प्लेन मिरर है आपका, ठीक है ना, एक प्लेन मिरर है, हाँ एक प्लेन मिरर है, ये पूछ रहे थे। अब देखो, एक प्लेन मिरर है, कितने दूरी पे एक लेडी खड़ी है? 1 मीटर पे, ठीक है ना, मतलब 100 सेंटीमीटर हो गया। पहले ये यहां पे खड़ी थी 100 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब ये आगे चल के कितना चली गई? आगे और चली गई, ये आगे चली गई कितना? 60 सेंटीमीटर आगे चली गई, ठीक है। तो अब कितना बचा? 40। तो अब ये मिरर से कितनी दूरी पे खड़ी है? 40 पे खड़ी है, ठीक है ना। 40 पे अगर ये खड़ी है तो इसका इमेज और इसके बीच की दूरी 40, तो ये मिरर से ही खड़ी है, ठीक है। और मिरर के और कितना होगा इसका? 40 और बनेगा ना, 40। तो ये दर्पण से दूरी पे खड़ी है, कितनी दूरी पे? 40 सेंटीमीटर पे। 40 इसका और दूसरी साइड क्या बनेगा? इमेज बनेगा, इमेज बनेगा। तो इसीलिए इसको हमने क्या कर दिया, यानी कि 80 सेंटीमीटर पे इसके और इसके इमेज में जो दूरी हो गई वो कितने की हो गई? 80 सेंटीमीटर की। कितनी हो गई? हाँ प्रांशु सविता, 34 का डी, ठीक है। हाँ चलिए, तो ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, 80 सेंटीमीटर पे ये खड़ी है, ठीक है। ये क्लास थी आपकी, और कल जो है हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, तो सबको क्लास अटेंड करनी है। आज वाले में अगर अभी किसी को डाउट रह जाए तो आप लोग जरूर पूछ लेना, ठीक है, जरूर आप लोग कमेंट में बता देना, आपको फिर सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। हाँ वस्तु के साइड ही ना, हाँ बिल्कुल वस्तु के साइड, ठीक है। फिर कल मिलते हैं आप लोग।